द एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट एंड रियलिटी इज द फर्स्ट लेसन दैट यू शुड लर्न. नहीं हुई तुम्हारे हिसाब से चीजें, कोई बात नहीं, है ना. देयर वर गुड थिंग्स, देयर विल बी मोर गुड थिंग्स, डजंट मीन दैट यू विल, यू नो. सो इमोशनल होना बुरा नहीं है, इमोशनली ड्रिवन होना. डूब रहे थे, फिर गए, तैरने लगे, तो अब डर नहीं है, अब ट्रायम्फ है. वो मेमोरी तो है डूबने वाली, परंतु वो डर की तरह अब समझ में आया. पापा ने चॉकलेट नहीं खिलाई थी, आप पापा को खूब चॉकलेट्स खिला रहे हैं. या यू हैव ओवरकम दैट. हाउ यू डील विथ इट? डिड यू डील विथ इट? डिड यू? आई एम आस्किंग कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देर विल बी एक्सपीरियंसेस, देर विल बी हार्ड ब्रेक्स. हाउ डिड यू डील विथ इट? दैट इज व्हाट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन. ऐसा कि एकदम प्लेन स्लेट हो लाइफ की, कुछ हुआ ही ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई दर्द ही ना हो, ऐसा तो होगा नहीं ना. ऐसा होता है क्या? होगा दुख दर्द. टीचर बना पटाख से चापड़ सारे स्टूडेंट के सामने, याद रहेगा वो. आंसू निकल गए, मन रो पड़ा. किस किस को पड़ा है देखो. अब उसी को दिल में साला टीचर मिल जाए वो ना, जहां जिस मार्केट में उसकी वाइफ के सामने उसको मारना है. दिस इज रिवेंज. यानी कि वो दर्द छुपा हुआ है. छोड़, साले ने मार दिया, कोई बात नहीं, मूव ऑन. तो आप मूव ऑन कर गए या मूविंग ऑन कर गए उस पे, ये आप पे है. उस टीचर को आप मार दोगे वाइफ के सामने, फिर अब उस टीचर का अनकॉन्शियस जागृत हो जाएगा, अब वो ढूंढता रहेगा इसको सही टाइम पे पीटना है. चलता रहेगा वो सिलसिला. तो टीचर ने मारा, मारा छोड़ो, एक यही तरीका सही है ना. दिल में बिठाए बैठे हैं, यार साला कहीं मिल जाए वो भगवान, कहीं से एक बार मिला दो बस उससे. उससे एक कदम आगे क्या होगा, उसका एड्रेस ढूंढ रहे हैं, रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, ब्लैंक कॉल मार रहे हैं उसको. करते कि नहीं करते लोग? दैट इज व्हाट साइकोपैथ्स आर. ऐसे लोग नहीं चाहिए, ऐसे लोग जो अपने स्टक इन द पास्ट हैं नहीं चाहिए. तुम्हारा नाम? तन्वी. यू आर फ्रॉम राजस्थान. ऐसे तो नहीं हो ना तुम? किसी को ढूंढ तो नहीं रहे हो? फिर ठीक है, समझ में आया. तुम्हारा नाम? बिहार से हो? एनी रंजन इज एक्चुअली अ बिहारी इंक्लूडिंग मी. तो बिहार में क्या हुआ कि कास्टिज्म इतना फैला. तुम बिहार से हो ना? तुम हिमाचल से हो? तुम बिहार से हो? तुम भी बिहार से हो? तुम्हारा नाम क्या है? अभय कुमार. आगे देखो, सिंह नहीं बोला ना, आप समझे क्या हुआ? अनकॉन्शियस माइंड करवा रहा है. क्यों? कास्टिज्म इतना फैल गया, लोगों ने अपने टाइटल हटा दिए. इट्स अ फैक्ट, सोशल फैक्ट. अब देख लो, इतना कास्टिज्म फैला कि लोगों ने अपने बच्चों के नामों से टाइटल, तो कैसा नाम होगा? सुमन सौरभ. अब करते रहो, सौरभ क्या है समझ. अब है आनंद. अब आनंद क्या है? अब वैसे ही बड़ा फेमस सब टाइटल आया रंजन. तो बिहार में तुम्हें रंजन बहुत मिलेंगे, राजीव रंजन, अभय रंजन, कुमार, जो भी रंजन रंजन रंजन. रंजन क्या है ये? Nobody knows, right? जैसे माय नेम वुड हैव बीन राजीव रंजन तिवारी, तिवारी इज रिमूव्ड, नाउ आई एम ओनली रंजन. गेटिंग योर पॉइंट? सोशल इफेक्ट्स, सोशली ऐसा हुआ है बिहार में. अब देखिए, किसी भी बिहारी लड़के से नाम पूछे, और कौन था बिहार का? देख रहे हो ना. हरियाणा वाले कैसे नाम रखेंगे? हरियाणा कौन? हाँ नाम बताओ. सचिन फोगाट. नरेश,
दे कीप देयर। तो दैट्स व्हाई बिहार का ये समस्या है, अभी तक वही है, अभी भी जाति जनगणना काहे के लिए, एक फैक्ट्री लग नहीं रही है जाति जनगणना। कहां से नौकरी देंगे, जेब से नौकरी देंगे, स्टेट पालेगी लोगों को, ऐसा तो नहीं होता है ना, स्टेट थोड़े ना पालती लोगों को। आपका नाम क्या है? महबूब हसन, महबूब हसन। आप कहाँ से हो? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से। समझ में आया टॉपिक? भूल गया मैं। हाँ यहाँ तो अनकॉन्शियस माइंड में जाना है मैंने, मैंने ये देखना है तुमने किया क्या, उसके बाद हुआ क्या। किसी की बहुत यंग एज में सपोज मदर इज नॉट देयर, ठीक है, इट हैज हैपेंड, यादें रहेंगी, दुख भी होगा, परंतु क्या आपको होल्ड बैक कर रही है? रात को सपने में आता है, फिर डर जाता हूं, फिर मैं बड़ेवर बड़ेवर बड़ेवर, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, दुख तो होगा, है ना? दुख का होना तो लाजमी है। आई सेड ना, बीइंग इमोशनल इज ओके, यू फील बैड, दैट्स ओके, बट डज इट हॉन्ट यू और हैव यू ग्रोन ओवर इट? दैट इज वेयर आई एम इंटरेस्टेड। समझ में आया? समझ में आया? व्हाट्स योर नेम? मनोज। गॉट द पॉइंट? फोगाट, तुम बसंत बिहार के हो क्या? कहाँ से हो? तेरे फोगाट्स भी है ना? अच्छा नहीं, वो है बसंत गांव में, कौन है? टोकस। टोकस होता है ना एक? टोकस। समझ में आया? बात समझ में आई? तो मेरे को कहाँ जाना है आपके? तो ये 90% तो हो गया अनकॉन्शियस। मैं कैसे जाऊंगा? मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूंगा, मैं बोलूंगा इसको देखो, बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है, बताओ तुम्हें, आपको दिखेगा वही जो आपको मन दिखाएगा। समझ में आ रहा है? वो प्रोसेस पे बात में जाएंगे। समझ में आ रहा है? और मैं समझ जाऊंगा कि भैया तेरे को ये क्यों दिख रहा है, भाई मन ने ये बता कि बात क्यों हो रही है। सही बोल रहा हूँ मैं? यस सर। हरियाणवी थोड़ी बहुत, दिल्ली से हूँ मैं भी। तो समझ में आया? आई वॉन्ट टू रीच देयर, आई विल आस्क एज ए इंटरव्यूअर, आई विल कीप आस्किंग, फिर क्या हुआ? अच्छा फिर, बहुत बुरा लगा होगा ना, अब तुम चले गए अपने अनकॉन्शियस। हाँ सर, क्या मन कर रहा? मन कर रहा सर उसको ना वहीं पे, फिर सर मिली नहीं वो, अब ढूंढ रहा हूं। आपको इंटरव्यू के बाद आपको याद नहीं रहेगा कि इंटरव्यू में क्या पूछा था, अगर अच्छा इंटरव्यू दिया तो। अगर आप अच्छा इंटरव्यू दे ही नहीं रहे हो, प्रिपेयर्ड दे रहे हो, तो फिर आप अपने अनकॉन्शियस में जाना ही नहीं चाहते हो, तो इंटरव्यूअर को भी नहीं जाना फिर तुम्हारे अनकॉन्शियस। बोलेगा थैंक यू, खाना ठीक था, चाय ठीक है, शुगर कम है ज्यादा है, पानी, थैंक यू, बाय बाय। Who is at loss? You. You are at loss. Your chance gone. समझ में आया? तो ये कि मैं जाऊंगा ही नहीं अनकॉन्शियस में, ये गलत है। वहां पे मैं क्या करूंगा वो उस पर काम करो। अगर कोई छोटे मोटे ग्रज रिवेंज पाल के बैठे हुए हो दिल में, कोई ऐसी बातें ऐसी डर हैं, उन पे काम करो, उसको खत्म करो, उसको दफा करो। यही है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये कि मैं जाऊंगा ही नहीं, ये फिर देन यू आर डिनाइंग द टेस्ट एंड दैट्स नॉट गोना हैपन, यू विल बी एट लॉस। यू से आई डोंट वांट, मेरे को दिख रही है पिक्चर की एक लड़का एक लड़की कुछ ऐसे चल रहा है, बट तुम लिख रहे हो कि एक पिक्चर का सीन है, इट्स अ ड्रामा गोइंग ऑन, तो इट्स योर लॉस। यू आर नॉट ट्राइंग टू कनेक्ट, हुज एग्जाम इज दिस? यू आर मिसिंग योर चांस बिकॉज ऑफ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, इट्स योर प्रॉब्लम। समझ आए? उसी तरह से जीटीओ भी बाय एंड लार्ज साइकोलॉजिकली होता है। आपका जो बिहेवियर है कैसे ड्राइव हो रहा है, कैसे खड़े हो रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस है नहीं है, बोल पाते हैं नहीं बोल पाते, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, मौका मिलेगा तो क्या करेंगे, डर है कि नहीं है, करेज है कि नहीं, ग्रुप में कैसे आप एक्टिव हैं, एक्टिव है इनएक्टिव है। समझ में आ रहा है? Are you able to handle the group, the pressure or not? समझ में आया? तो what should you do? The question now is, what should you do?
थोड़ा बहुत अगर आपको एस एस बी समझ में आया आफ्टर दिस लेक्चर. सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट शुड यू डू वर्किंग हाउ. फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू बिलीव दैट आई विल बी रिकमेंडेड. ये अपने अंदर से जो ये इनहिबिशन से डर को निकाल दो, बिकॉज मैं बता रहा हूं ये आपको सबसे ज्यादा ट्रबल करने वाला है. आप विश्वास ही नहीं कर रहे हो कि मेरा होगा. आप ही नहीं विश्वास करोगे तो मैं क्यों करूंगा. पहला काम ये कर सकते हैं. दूसरा काम,